हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम इन स्टार्टेड आज काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास हैं अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स uh, uh, के अंदर अगर हम देखें एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन हैविंग सम पॉइंट इन दैट एज वेल क्योंकि जो स्वामीनाथन साहब है, है ना, उनके बारे में काफी सारी न्यूज हैं तो विल टॉक अबाउट दैट कुछ एडिटोरियल हैं सोसाइटी के ऊपर आप देखोगे सोशल कॉन्टेक्ट में आज दो एक आर्टिकल है और एक एडिटोरियल है इंड बोथ आर एडिटोरियल्स दोनों ही एडिटोरियल पार्ट में आपके कवर हो रहे हैं तो so चलिए शुरू करते हैं इफ़ ऑल इज़ फाइन प्लीज़ गिव थम्स अप गाइस इफ वी आर लाइव एंड ऑल आर वी लाइव यस So let's focus on the class okay all of you let's focus on the class and uh, please share the session so that everybody can join us pravas ray session ko share kar dijiye and don't forget to like the session as well let's begin the class okay class aapki daily basis pe isi time pe rehti hai 8 8:30 ke aas paas hum isko shuru karte hain daily current affairs yahan pe hamare ho rahe hain aur important चीज इसमें यह है कि आपके प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं टॉपिक्स हैं वो तो हो ही रहे हैं आपके मेंस की तैयारी भी साथ हो रही है तो अगर आप शुरुआत में तैयारी कर रहे हो है ना इन द बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन फेज या कभी भी हम बात करें ओवरऑल परस्पेक्टिव में भी बात करें तो आपको तैयारी प्री और मेन्स दोनों की एक साथ ही करनी है ऐसा नहीं कि पहले प्री करता हूँ फिर मेन्स की करूंगा ऐसा कभी नहीं होता है ठीक है वो तभी होगा जब प्रॉब्लम्स में दो तीन महीने का समय है तो केवल प्रॉब्लम्स के करोगे बाकी पूरे समय पे आपकी प्री मेंस इंटरव्यू एक साथ ही तैयारी चलती है ये पेपर टू पे आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चंस को पिक किया है और काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये न्यूज हो जाती है क्यों हो जाती है यहाँ पे न्यूज क्या कह रही है मनरेगा के अंदर जो सोशल ऑडिट है सोशल ऑडिट यूनिट जो है इन ए स्टेट ऑफ पैरालिसिस इन मेनी स्टेट बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे सोशल ऑडिट के लिए जो यूनिट बनाई हुई है दे आर नॉट फंक्शनिंग वेल ठीक है ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है सो दिस इज द न्यूज हियर तो दो तीन चीजें पहले यहाँ पे जाने वट इज द सोशल ऑडिट है ना क्या इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस है इसका सोशल ऑडिट का और फिर हम आएंगे इस आर्टिकल पे उसके बाद में इस आर्टिकल के अंदर जो कंटेंट है वो हमारे काम का है कि कैसे जो सोशल ऑडिट के रिगार्डिंग जो अभी चैलेंजेस आ रहे हैं ना वर्तमान में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके ऊपर ये बात कर रहा है लेकिन बिना बेसिक क्लियर किए यू वॉन्ट बी एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस आर्टिकल तो देखो कुछ बेसिक सी चीजें ध्यान रखो सोशल ऑडिट क्या होती है जैसे हम मनरेगा की बात करें है ना कहीं पे भी आपने देखा ही होगा रूरल एरिया में मनरेगा के वर्क और ये सब होते हैं तो नरेगा की अगर हम चर्चा करें तो वहाँ पे आप देखेंगे काफी सारे काम होते हैं है ना मान लीजिए पंचायत के लेवल पे कुछ काम करवाया जा रहा है लेटस से कि कहीं पे कोई पॉन्ड बनवाना है ना आ, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कोई तालाब या इस तरह का कुछ बनवा रहे हैं अब हुआ क्या पैसा आया पंचायत के पास में लटस से सौ रुपये आया है ना या फिर हम मान लेते हैं कि हाँ चलो दस लाख रुपये आए हैं अब उसमें से दस लाख रुपये में से आपने कितना खर्च किया किस पे क्या हुआ नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल मान लो कि काम आपने पांच लाख का किया बाकी पांच लाख का कोई हिसाब नहीं है तो इस तरह से बहुत सारे करप्शन के भ्रष्टाचार के केसेस बनते थे जिसमें इस तरह से इन जो फंड आ रहा है कहां जा रहा है क्या हो रहा है नहीं पता तो इसका यह, यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला सॉल्यूशन निकाला कि जो लोग हैं है ना उनका अगर इन्वॉल्वमेंट होगा उनका अगर पार्टिसिपेशन होगा पीपल्स पार्टिसिपेशन रहेगा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा जहां पे लोग ये देख सकेंगे कि इतना पैसा आया दस लाख रुपया आया है आपने कंस्ट्रक्शन में कितना लगाया लोगों को पैसा देने में उनके वेजेस देने में कितना पैसा लगाया किस किस को पैसा मिला है नहीं मिला है ये केवल कागजों में मिला है तो ये सारा ऑडिटिंग का जो प्रोसेस है कि आपके जो अकाउंट्स हैं है ना आर योर अकाउंट्स क्लीन और नॉट यहां पे जो पैसा गया है वो वाकई में गया है, नहीं गया है। ये सारा जो ऑडिटिंग का प्रोसेस है ये कौन कर रहा है यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ठीक है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आर देयर एनजीओ हो गए ये सब हैं जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे जैसे पंचायत लेवल पे है तो वहाँ के जो भी ये सब लोग हो गए जो लोग हैं जो वेज वेज अर्नर्स हैं जो गांव के लोग हैं खुद हैं वो वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे वेदर स्टेट रिपोर्टेड एक्सपेंडिचर स्टेट रिपोर्टेड एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट द एक्चुअल मोनिज स्पेंड ऑन द ग्राउंड जैसे स्टेट कह रहा है कि हमने दस जैसे पंचायत पे आ रहा है कि दस लाख रुपए खर्चा किया है दस लाख आए और हमने दस लाख खर्चा कर दिया तो लोग देखेंगे यार वाकई में दस लाख खर्चा भी हुआ है या फिर पांच लाख खर्चा हुआ है पांच लाख जेब में चले गए तो पहले इस चीज के ऊपर क्या होता था लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता था वो तो अंदर ही अंदर चीजें हो रही हैं तो हो रही है। हैं ऑफिसर ऑनेस्ट है है ना कर्मचारी अगर ऑनेस्ट है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑनेस्ट है ईमानदार है तब तो चीजें सही है अदरवाइज करप्शन हो रहा है पैसा किसी के लिए आ रहा है कहीं पे और जा रहा है तो अब सोशल ऑडिट से क्या हो गया इस चीज के ऊपर लगाम लग गई तो सोशल ऑडिट का जो प्रोसेस है क्या है अब आपको ये लाइन पढ़ोगे यू विल मेक सेंस ऑफ दिस लाइन सोशल ऑडिट इज अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग द ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड डिटरमाइनिंग वेदर स्टेट रिपोर्टेड एक्सपेंडिचर ठीक है वो वाकई में ग्राउंड पे जो स्पेंड हो रहा है उसी परपज के लिए स्पेंड हो रहा है उस पर खर्चा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है इट इज अ टेक्निक टू अंडरस्टैंड मीजर वेरीफाई रिपोर्ट एंड इम्प्रूव द सोशल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इसीलिए आप देखोगे सोशल और इथिकल परफॉर्मेंस दोनों को इम्प्रूव कर रहा हैं ओवरऑल एफिशिएंसी भी इंप्रूव कर रहा है क्यों क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है जो इम्प्लीमेंट कर रही है जैसे पंचायत का एग्जाम्पल लें या जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसकी अगर हम चर्चा करें तो वही देखेंगे कि यार लोग क्वेश्चन करेंगे अगर हमने दस लाख रुपए दिया है तो कहाँ पे खर्चा किया है लोग उसको क्वेश्चन करेंगे आर टी आई के अंतर्गत क्या मांग लेंगे इंफॉर्मेशन मांग लेंगे और उस उसपे अगर कुछ गलत है कुछ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं इतना पैसा तो ये नहीं गया है तो उस पैसे की भरपाई करो ठीक है उसके लिए पब्लिक हियरिंग्स होंगी इसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल हमें मिलता है राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर अगर विकीपीडिया डूंगरपुर के रिगार्डिंग सोशल ऑडिट का जो एक बहुत ही वाइड स्केल पे जो सोशल ऑडिट को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ठीक है जहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं एनजीओ भी हैं जो खुद लोग हैं वो वहां पे हैं मनरेगा में जो वेज अर्नर्स है वो भी वहां पे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू इन्श्योर द अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं कि भैया आपको जिम्मेदारी दी थी आपने कितना किस तरह से किया है ओवरऑल ये क्या कर रहा है गुड गवर्नेंस को इंश्योर कर रहा है यस और नो क्या ये गुड गवर्नेंस को इंश्योर कर रहा है यस और नो क्योंकि गुड गवर्नेंस के जितने भी इंडिकेटर्स हैं वन ऑफ द इंडिकेटर पीपुल्स पार्टिसिपेशन वन ऑफ द इंडिकेटर इज अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी है ना जो गुड गवर्नेंस की सुशासन की हम बात करते हैं उसमें सेटर्स है आ रहा है समझ में सो दिसल ऑडिट हेल्प इन नेरोइंग गैप बिटवीन द विजन एंड द रियालिटी ओके विजन तो ये था कि भैया ऐसा ऐसा करके ऐसा पोन बनाएंगे ये बनाएंगे और बनाया आपने उसका मुश्किल से बीस परसेंट है ना जिस स्केल पे बनना चाहिए था वो एग्जीक्यूशन नहीं है तो यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन कर सकते हैं फर्स्ट ऑडिट वाज कैरिड आउट इन द स्वीडन तो स्वीडन से ये जो प्रोसेस है ना वो इंस्पायर हुआ है एक uh, अगर मैं एक और संस्था की यहाँ पे बात करूँ ओम्बर्ट्स का आपने नाम सुना है जो लोकायुक्त की अगर हम बात करते हैं लोकपाल लोकायुक्त की जो संस्थाएं हैं है, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें लोकायुक्त होता है स्टेट लेवल पे करप्शन के केसेस जो हैं उसके पास जाएंगे क्लियर लेकिन uh, सेंट्रल लेवल पे लोकपाल आपका बना हुआ है जो 2013 के अंदर जो अन्ना जी का आंदोलन हुआ उसके बाद हुई लेकिन ये जो संस्थाएं हैं ये कहां से इंस्पायर है कौन से देश से इंस्पायर है इसको इंग्लिश में कहते हैं द इंस्टीट्यूशन ऑफ ये कहां से इंस्पायर है कौन से कंट्री से इंस्पायर है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एडवांटेजेस में आ जाओ इन द कम्युनिटी की वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा गवर्नेंस के अंदर देखो ये केस स्टडी में भी काम में आती है ये केस स्टडी जो आपको मिलती है ना उनके अंदर अगर आप ये वर्ड यूज कर रहे हो कि हम इंश्योर करेंगे कि सोशल ऑडिट का इंस्टीट्यूशन मजबूत किया जाए सोशल ऑडिट की यूनिट्स को मजबूत किया जाए क्लियर लेकिन आज जो न्यूज आई है वो क्या कह रही है कि सर यहाँ पे सोशल ऑडिट के रिगार्डिंग क्या है ट्रेनिंग ही नहीं है उनको फंड रिलीज नहीं किए जा रहे हैं ना उनके पास कोई ट्रेनिंग है तो कैसे ये इफेक्टिव हो जाएंगे क्लियर क्या प्रॉब्लम ये बता रहे हैं ये देखो प्रॉब्लम ये बता रहे हैं फंडिंग स्टार्ड सोशल ऑडिट यूनिट ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये काम का है कि फंड नहीं है सोशल ऑडिट यूनिट्स के पास में इसलिए और बिना ट्रेनिंग के बिना ट्रेनिंग के बिना वहां पे एडुकेट पर्सनल जो लोग वहां पे होने चाहिए उनके बिना ये सोशल ऑडिट यूनिट्स जो हैं बिल्कुल डिफंक्ट पड़ी हैं केवल नाम की ही सोशल ऑडिट यूनिट है ना तो वहां पे लोग हैं ना उनके पास लोग हैं तो ट्रेनिंग है ना उनके पास कोई फंडिंग है सोशल ऑडिट यूनिट सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी माल प्रैक्टिस रिकवर द मनी एंड रेप्रीमेट ध्यान रखने वाली बात यह है कि सोशल ऑडिट जो हो रही है वहां पे सोशल ऑडिट का, का काम क्या है कि उसको बताना कि यह गलत हुआ है यहाँ पे बस उसका काम खत्म हो गया फ्लैग द माल प्रैक्टिस कि ये चीज गलत है ये देखो करप्शन की तरफ इशारा कर रहा है बाकी अगर वो पैसा कहीं और गया है उसकी रिकवरी करना है ना जो भी वहां पे अगर कोई भी इन्वॉल्व uh, है सिविल सर्वेंट वगैरह उनको डांट फटकार लगाना उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन होना दैट ऑल द थिंग्स कम्स अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वो राज्य सरकार का काम है हमारा काम ये बता के गलत हो गया देखो हमारा काम ये बता के खत्म हो गया कि देखो ये गलत है दैट्स ऑल फाइन तो ये वर्तमान में जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इसकी बात है इससे क्या हो रहा है इसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है और यार ये इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है मतलब सोशल ऑडिट का प्रोसेस इतना स्ट्रांग है इससे अच्छा आपको क्या चाहिए ठीक है लोग जब तक आगे आके खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना तब तक वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा काम हर कोई और कर देगा ठीक है जब तक आप खुद उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हो खुद इन्वॉल्व हो गए प्रोसेस में तब तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है ये एक फैक्ट की तरफ इशारा कर रहा है कह रहा है कि देखो केवल और केवल 14 परसेंट जो मान लो सोशल ऑडिट हुई जहां जहां पे भी हुई तो वहां पे उन्होंने बताया कि ये देखो एक करोड़ रुपया है ना दस जगह सोशल ऑडिट हुई है इसमें एक करोड़ रुपए का ऊपर नीचे आ रहा है इस एक करोड़ रुपए को आपको क्या करना है वापस से रिकवर करना है तो ये फैक्ट यहाँ पे ये कह रहा है डेटा यहाँ पे ये कह रहा है कि केवल 14 परसेंट रिकवरी हुई है बाकी मेजोरिटी मतलब 80 परसेंट से ज्यादा पैसा आपने रिकवर नहीं किया है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट पे प्रेशर डालेगी ना बिकॉज अल्टीमेटली स्टेट का काम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ प्रेशर कि यार ये जो मिसअप्रोप्रिएट मनी है जिस परपज के लिए पैसा गया था वहां पर खर्चा नहीं हुआ उसको वापस से रिकवर करो आप रिकवर ही नहीं कर रहे हो अस्सी परसेंट से ज्यादा तो फिर सोशल ऑडिट का फायदा क्या हुआ आपको पता चल गया कोई काम गलत है गलत काम का आपको पता चल गया गलत है लेकिन जब तक उसको सही नहीं करोगे वट इज द रैशनल बिहाइंड इट ठीक है हमें भी तो पता होता है ना कि यार ऐसा करना है ठीक है मुझे ऐसा करना है आंसर राइटिंग करनी है या मुझे इतना घंटा पढ़ना है इस तरीके से पढ़ना है लेकिन फिर भी कई बार हम नहीं कर पाते हैं ना अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स ही है विल पावर भी चाहिए वो कॉन्स्टेंट डेडिकेशन चाहिए कंसिस्टेंसी चाहिए तो हमें काफी बार मैक्सिमम टाइम पे हमें चीजें पता होती है कि ये सही है बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू डू दिस लेकिन उसका फायदा तो नहीं मिल पा रहा ना कई बार क्या होता है हम प्लान बनाते हैं प्लानिंग जरूरी है ठीक है लेकिन हम क्या करते हैं प्लान बनाते हैं अच्छे अच्छे फिर उसको दस दिन फॉलो करते हैं फिर वो एक महीने पुरानी बात हो गई फिर अगले महीने नया प्लान बनाते हैं फिर फिर एक महीना निकल जाता है तो इस तरह से क्या होता है प्लानिंग ही करते रह जाते हैं अगर ठीक है एक ओवरऑल आपने शेड्यूल बना लिया प्लानिंग बना ली दैट्स ऑल फिर एक्शन करते रहो ठीक है एक्शन छोटा सा भी लोगे तो उसका ज़्यादा फायदा है ऑब्वियसली प्लानिंग इज नेसेसरी टू गो इन द राइट डायरेक्शन कि चलना किस तरफ है बट वंस यू आर क्लियर विद दिस प्लान है ना मेक श्योर कि आप स्टेप्स भी ले रहे हो स्टेप्स भी ले रहे हो कम कर लो लेकिन कंसिस्टेंसी रखो कम चल लो लेकिन रेगुलर आपको चलना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स डेडिकेशन कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स डिसिप्लिन वो कमिटमेंट कंसिस्टेंसी रिक्वायर करती है ठीक है आपने हो सकता है बहुत सारा कर लिया हो लेकिन दस दिन एक महीना कर लिया उसके बाद में क्या थोड़ा थोड़ा कर रहे हो लेकिन रेगुलर कर रहे हो ना सो यू विल डेफिनेटली क्लियर द लाइन ये हो गया इंपॉर्टेंस आपको बताई दिया इससे भी आपको पता चल जाएगा कि डिसएडवांटेज जो वेलरेबल सेक्शन है उनका एम्पावरमेंट हो रहा है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इन्श्योर हो रहा है लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी एनहांस ही हो रही है ना लोगों को पार्टिसिपेशन मिल रहा है प्रमोट द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग रेस्पॉसिबिलिटी शेयरिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहे हैं एक तरह का सोशल कैपिटल डेवलप हो रहा है जहाँ पे लोगों को पता है क्या चीज सही है कैसे प्रशासन में काम होता है क्या चीजें गलत हो रही है नहीं हो रही है एनकरेज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन दीज आर द एडवांटेजेस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ऑडिट एंड वट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इन टूडेज द हिंदू वॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस हाउ द सोशल ऑडिट यूनिट्स क्या है ये लिखा हुआ होता है आपके स्लाइड पे जीएस पेपर टू क्वालिटी तो जो जीएस पेपर टू क्वालिटी है उसके अंदर आपका एक टॉपिक लिखा हुआ है गवर्नेंस ई गवर्नेंस ये टॉपिक लिखे हुए है ना योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कैसे बेहतर होगा नहीं होगा आ, आ जाएंगे ये इस पेपर वन में सोसाइटी पे दो एडिटोरियल है आज, दो एडिटोरियल दोनों इंपॉर्टेंट है।, तो है, है।, in in है ये पे बात कर रहा है कि देखो तमिलनाडु के अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चला था उसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता मेक सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल आर्टिकल बात कर रहा है तमिलनाडु में होने वाली जो मैरिजेस हैं जिनको सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज भी कहा जाता है क्या कहा जाता है सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस भी कहा जाता है तो उसके बारे में है कि जब तमिलनाडु ने शुरुआत की सेल्फ रेस्पेक्ट जो मैरिजे हैं सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज का मतलब क्या हिंदू धर्म में होने वाली जो मैरिजेस है मतलब जो हिंदूज जनरली क्या होता है हिंदूज के अंदर या किसी भी धर्म की बात करें किसी भी रिलीजन की बात करें तो वहां पे क्या होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस है रिचुअल्स हैं फॉलो किए जाते हैं है ना रिलीजन से रिलेटेड रिचुअल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है और फिर जो मैरिज है आपकी वो फाइनल इस तरह से होती है तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट जो मैरिजेस तमिलनाडु में हमने की है वहाँ पे कोई रिचुअल कुछ नहीं केवल जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो आएंगे इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी तरह का रिलीजियस रिचुअल हम वहां पे इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो इस तरह की जो मैरिजेस थी जिसके अंदर रिलीजियस प्रेक्टिस रिचुअल्स को पूरी तरह से हटा दिया उनको नाम दिया गया क्या नाम दिया गया सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस इसको तमिलनाडु में भी ये जो वर्ड यूज किया है इन्होंने ओके ुता शिरुमन्नम यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर नेम ठीक है अनलेस आपको तमिलनाडु का स्टेट पीसीएस वाला देना है बाकी ये नाम याद रखो सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज है तो जब सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट तमिलनाडु में आया तो यहाँ पे इनको ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे शुरू में जो हाई कोर्ट है जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने इस तरह की जो मैरिजेज हैं उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि भैया आपकी मैरिज को हम मानते ही नहीं है तो उससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो गया क्लियर कि किस तरह से आगे चीजें होंगी या फिर जो संपत्ति का बंटवारा है उसके अंदर या फिर एक्सेशन वगैरह वगैरह बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं तो इन्होंने कहा कि ये जो हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज वाला जो ये स्ट्रगल था काफी लंबा चला शुरू में जब कोर्ट ने मना किया कि नल एंड वाइड है तो तमिलनाडु ने यहाँ पे क्या किया कानून पास किया सिक्सटी के अंदर तमिलनाडु वैलिडेटेड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट तमिलनाडु ने क्या किया हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये जो अमेंडमेंट है तमिलनाडु अमेंडमेंट ये पास किया 67 में उसके बाद तमिलनाडु ने क्या कहा तमिलनाडु ने कहा तमिल इस तरह की जो सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज है वो कानून के हिसाब से पूरी तरह से वैलिड है इनको कोई भी नल एंड वाइड अवैध करार नहीं दे सकता है गेटिंग दिस दिस वॉज द ओवरऑल आइडिया तो यहाँ पे ये यही बता रहे हैं कि यार कैसे हमारा स्ट्रगल हुआ नहीं हुआ पहले हमने ये किया वो किया वो उस माइन्यूट्स में डिटेलिंग में नहीं जाना है क्या यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मैरिज जो है ठीक है जो एज ए इंस्टीट्यूशन किस तरह से चेंज हो रहा है मॉडर्न इंडिया की हम बात कर रहे हैं ना एज ए इंस्टीट्यूशन कैसे चेंज हो रहा है तो शुरू के अंदर अगर हम देखें आप देखोगे इस साल मीन के अंदर जीएस पेपर वन में भी क्वेश्चन था तो यहाँ पे ये यह क्या कर रहे हैं सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज का ये जो कॉन्सेप्ट है जिसको तमिलनाडु ने कानून के साथ में वैलिड भी कर दिया ये कहीं ना कहीं मैरिज को एज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेके जा रहा है और जो भी रिलीजियस रिचुअल्स है ना एज ए सैक्रामेंट की हम बात करते हैं जो उससे थोड़ा दूर लेके जा रहा है गेटिंग दिस तो ये भी एक एक्सेप्टेड नॉर्म है आप देखोगे इस साल मीन्स में क्वेश्चन भी इसको पिक किया था तो काफी सारा कॉन्टेंट यहाँ से ले सकते हो मतलब इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं तो दिस इज द थिंग इसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप है उनको हमने जोड़ा था डिस्कस भी किए थे तो यहाँ पे बस ये यही बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो हिंदू मैरिज रिफॉर्म है उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल रहा है क्यों रोल रहा है कह रहे हैं कि इससे वुमेन एम्पावरमेंट को हमें वो मिला है इंटरकास्ट कास्ट हैं उसके अंदर भी हमें थोड़ा सा अच्छा चीजें देखने को मिली है क्लियर कस्टमरी एंड ट्रेडिशनल हिंदू मैरिजेस अपहेल्ड द कास्ट सुप्रीमेसी क्योंकि जिसके अंदर पूरा रिचुअल और ये सब होता था कहीं ना कहीं वो कास्ट सुप्रीमेसी को बढ़ावा दे रही थी कहीं ना कहीं वो जो पेट्रियारिकल राइट्स है मैन के ठीक है उनको और ज्यादा प्रमोट कर रही तो हम चाहते हैं मैन और वुमन इक्वल रहे ठीक है कास्ट रिलेटेड डिस्टिंगशन कम से कम हो दैट्स वाई वी प्रमोटेड दिस आइडिया ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजे इन द तमिलनाडु और इसी को वैलिड करने के लिए तमिलनाडु ने एक कानून पास कर दिया अब यहां पे ये यह कह रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है आ, कुछ इस तरह से चीजें हमें देखने को मिल रही है जहां पे इस इंस्टीट्यूशन को जो सेल्फ मैरिज का इंस्टीट्यूशन है इसको डिसक्रेडिट करने का प्रयास किया जा रहा है एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे ये यह, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि यहाँ पे Uh, जो है आपने क्या किया 2017 में एक मिनिस्ट्री uh, ने रिवार्ड अवार्ड दिए है ना इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए तो उसके अंदर जो तमिलनाडु के अंदर जो कपल थे जिन्होंने सेल्फ मैरिज ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज के अंतर्गत अपनी शादियां की है उनको एक्नोलेज नहीं किया था फिर बाद में यहाँ पे इसको करेक्शन करवाया गया ये ये जो मैरिजेज है सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज वाली ये भी लीगल है ये हिंदू मैरिज एक्ट के वायडेशन में नहीं है क्यों क्योंकि तमिलनाडु ने भी यहाँ पे अपना चेंज करके इसको वैलिड करार दिया हुआ है तो आ गया समझ में ओवरऑल व्हाट दिस होल एडिटोरियल इज ऑल अबाउट दिस इज टॉकिंग कैसे जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है ना वो चेंज हो रहा है स्टेट का रोल उसके अंदर क्या है हमारे जो आज आप देखोगे जो पॉलिटिक्स है या जो गवर्नमेंट है ना हर उसको प्रभावित करती है तो यहाँ पे कैसे जो सोशल स्फीयर है जैसे मैरिज का इंस्टीट्यूशन सोशल इंस्टीट्यूशन उसको कैसे प्रभावित कर रही है और मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन कैसे एक यू हैव दिस की रिचुअलिस्टिक uh, या सेक्रामेंट के अलावा जो है एक कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर के उसके अंदर भी जा रहा है ना आज हम देखते हैं कि कोर्ट मैरिजेस जो हो रही हो रही हैं उनका प्रचलन भी है उनकी एक्सेप्टेंस भी है फिर हम लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं और अब ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट वाला है ये अब ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज की बात कर रहे हैं इसका जो होल आइडिया है ना कहाँ से इसको पुश मिल रहा है पुश वॉज फ्रॉम दिस सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट तो पेरियार साहब थे तमिलनाडु के अंदर बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए और इन्होंने इसी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी कि ये जो कास्ट रिलेटेड हाटीज हैं या जो सोशल लेवल पे जो लोगों के बीच में भेदभाव है ना डिस्टिंक्शन क्रिएट हो रखे हैं उसके अगेंस्ट में इन्होंने आवाज उठाई काफी बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए एंटी कास्ट एंड एंटी रिलीजन दोनों के लिए इन्होंने अपना मूवमेंट चलाया जिसको सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कहते हैं हालांकि आगे जाके थोड़ी सी ये डायमेंशंस पोलिटिकल तो हो जाती है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी चाहिए तमिल जो लोग हैं उनकी जो आइडेंटिटी है वो एक कल्चरल आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए है ना तो तमिल नेशन की इन्होंने बात करना शुरू कर दिया तमिल नेशन की अलग से बात करना शुरू कर दिया और इन्होंने एक पार्टी भी बनाई यू हैव दिस है ना द्रविड कजगम द्रविड कजगम करके पार्टी बनाई फिर इसी द्रविड कजगम में से एक जो पार्ट है जो इससे एग्री नहीं होता था कि नहीं अलग देश नहीं बनाएंगे ठीक है तो वहां से द्रविड मुनत्र कजगम जो डीएम के आज वर्तमान में वो बनी और फिर डीएम के की तरफ से अभी जो वर्तमान में चल रही है इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है जिस डी के पेरियर साहब जो है इनका जो ओवरऑल मूवमेंट था दैट वाज एंटी ब्राह्मीन एंटी कांग्रेस एंटी आर्यन आर्यन इन द सेंस की जो नॉर्दर्न इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको वो रेफर कर रहे हैं दट दे आर ट्राइंग टू ओके इम्पोज देयर कल्चर जो साउथ इंडिया है उसके ऊपर वो अपना कल्चर इम्पोज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने द्रविड नेशन की बात की कि अलग से हमारा देश होगा जिसमें तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक और ये सब होंगे तो ऑब्वियसली ये आइडिया जो है अकोमोडेट नहीं कर सकता था इंडिया के अंदर और फिर नेहरू जी ने जिस तरह से चीज़ों को मैनेज किया और पटेल साहब हैं ठीक है सरदार पटेल ओवरऑल बस ये ध्यान रखो पेरियार जो है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के जनक माने जाते हैं सोशल रिफॉर्मर हैं एंटी कास्ट एंटी रिलीजियस इनका वो सारा रेगा है ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया है ये एडिटोरियल का पार्ट नहीं है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द एडिटोरियल बट विदाउट दिस यू वॉन्ट मेक सेंस ऑफ दिस होल एडिटोरियल चूंकि क्यों तमिलनाडु में ही क्यों ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज की बात हो रही है तमिलनाडु में ही क्यों है और ये वाली जो स्लाइड है इससे आपको प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे दिस इज व्हाट वी कॉल द वैल्यू एडिशन है ना अगर आप खुद के लेवल पे पढ़ रहे हो चीजों को तो इसी तरह से पढ़ने का प्रयास करो कि हाँ ये चीज है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है वहीं पे घुस जाओ उसको कर लो तो अगर ये ये सोच के करोगे यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है उसके लिए थोड़ी सी समझ चाहिए कि हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्या है सिलेबस कंप्लीशन हुआ है नहीं हुआ है देन ओनली यू विल बी एबल टू डू जस्टिस अदरवाइज क्या होगा शुरू में तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगेगी जो भी पढ़ लिया जो भी दिख गया सब इंपॉर्टेंट लगेगा और जिस फॉर्मो की मैं बात करता हूँ फियर ऑफ मिसिंग आउट यू विल बी अंडर दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट कि हाँ, ये भी कर लेते हैं ये भी कर लेते हैं चलिए आगे आएंगे सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज समझ आ गई ना किसी तरह के कोई रिचुअल की जरूरत नहीं है आपके जो रिश्तेदार वगैरह वो इकट्ठा हुआ इकट्ठे होते हैं ठीक है और वो वहां पे शादी की रस्म हुई क्लियर और दैट्स ऑल माला एक दूसरे को पहनाया और हो गई शादी दिस इज द थिंग यू डोंट नीड टू गो फॉर दैट रिचुअल्स है ना आ, वो हवन होगा वो सात फेरे होंगे वो वाली चीजें नहीं होंगी लेकिन आएंगे एडिटोरियल पे देखो कल हमने एक न्यूज डिस्कस की थी याद आ रहा है आपको कल एक न्यूज मैंने आपको लास्ट के अंदर डिस्कस कराई थी और उसमें क्योंकि कंटेंट नहीं था लेकिन मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए थे क्या बात हो रही थी इंडिया की जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर जैसे ये ट्वेंटी फिफ्टी की बात कर रहे हैं इंडिया की ट्वेंटी परसेंट पॉपुलेशन क्या होगी सिक्सटी प्लस पे चली जाएगी सिक्सटी प्लस इयर्स पे चली जाएगी इंडिया की ट्वेंटी परसेंट जो पॉपुलेशन है बाई ट्वेंटी फिफ्टी फाइन तो उसी को उसी को आधार बना के ये एडिटोरियल है हिंदू में आज के हम एक्स्ट्रा मिल गया आज इन्होंने थोड़ी सी चीजें बता दी तो कल मैंने आपको हिंट देके समझाया था उन्हीं को इन्होंने लिखा हुआ है तो एक बार इसको देख लीजिए क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन मिलेंगे देखने को पहले भी आ चुके हैं ऐसा नहीं है पहले नहीं आया पहले पेपर थ्री में पूछा हुआ है ठीक है तो ये क्या कह रहे हैं देखो ये कह रहे हैं कि आज इंडिया की जो पॉपुलेशन है सिक्सटी प्लस ईयर्स पे वो कुछ बता रहे हैं टेन पॉइंट फाइव परसेंट दस परसेंट के आसपास कल तो जो मैंने आपको डेटा बताया था हाँ एट परसेंट के आसपास है सात आठ परसेंट दैट वाज बेस्ड ऑन दैट सेंसस है ना तो अभी ये लेटेस्ट डेटा है तो इसको एक तो ये सही कर लेना कि हाँ ये दस है परसेंट की जगह दस परसेंट अब ये है वर्तमान में सिक्सटी प्लस पे क्लियर अब ये क्या कर रहे हैं यहां पे पूछ रहे हैं कि आप खुद अपना कॉमन सेंस लगाइए कि जब हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन का नंबर बढ़ेगा तो उससे क्या चैलेंजेस क्रिएट होंगे नाउ दे आर आउट ऑफ द एक्टिव इकोनॉमिक फोर्स वो एक्टिवली इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं दिस इज द फर्स्ट थिंग अब वहां पे दूसरी चीज है क्या उनके पास सोशल सिक्योरिटी है क्या पेंशन या ऐसा कोई इनकम सोर्स है जिससे वो अपना खुद का खर्चा पानी चला सके या फिर वो डिपेंडेंट हो गए हैं उनकी केयर करने के लिए क्या कोई है भी या नहीं है या फिर वो डेस्टिट्यूट की तरह रह रहे हैं ना इस तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है उनकी हेल्थ केयर नीड के लिए उनकी जो स्पेशल हेल्थ नीड है क्या उसके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है तो हम बात कर रहे हैं आज हेल्थ केयर पे इकोनॉमी और सोसाइटी के लेवल पे चैलेंजेस की जब हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हेल्थ केयर के चैलेंजेस बढ़ेंगे ओल्ड एज पॉपुलेशन की अलग हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं इकोनॉमी पे मैंने बता दिया जो यंग जनरेशन है उस पर बर्डन बढ़ेगा गेटिंग दिस क्योंकि आज जिस डेमोग्राफिक डिविडेंट की हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंट का क्या मतलब है डेमोग्राफिक डिविडेंट मीन्स कि हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन का नंबर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नॉन वर्किंग लेकिन जैसे जैसे नॉन वर्किंग का नंबर बढ़ेगा वर्किंग पे प्रेशर ज्यादा रहेगा ठीक है तो वो इकोनॉमी रिलेटेड चैलेंजेस हो गए इनकी सोशल सिक्योरिटी इकोनॉमी रिलेटेड चैलेंज हो गया सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये मतलब जैसे होता है ना कि इनकी केयर करने के लिए क्या वहाँ पे लोग हैं या नहीं है क्या इस तरह के ओल्ड एज इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इनकी केयर की जा सकती है नहीं की जा सकती इन सारे क्वेश्चन पे ठीक है सोसाइटी तो के लेवल पे और क्या चैलेंज होंगे कि यार ये अकेला जब इस तरह से फील कर रहे हैं आज हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं क्या इनके जो जो बच्चे हैं है ना उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे इस तरीके के जो चैलेंज क्योंकि एक लार्ज जो पॉपुलेशन है दैट इज गोइंग टू एंटर इन टू सिक्सटी प्लस एज पॉपुलेशन का मतलब हो गया यू हैव दिस अराउंड करोड़ करोड़ पीपल पीपल ओके तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसी चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो ये चैलेंजेस जो अभी अभी मैंने गिनवाए ना हेल्थ इकोनॉमी सोसाइटी इनको ध्यान रखिएगा क्यों ये इतनी दो मिनट लाइने मैंने बोली हैं क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन यूपीएससी में मिलते हैं इन पॉइंट्स को नोट करते रहिए फाइन देर आर चैलेंजेस इन नर्चरिंग द एक्सपेंडिंग एल्डरली पॉपुलेशन इनको नर्चर करने के चैलेंजेस अपने हैं। और फिर सबसे बड़ा एक और आप देखिए और ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने लिखा है ये कह रहे हैं कि देखो वुमन एल्डरली सिटीजन ज्यादा होंगे वुमन जो एल्डरली सिटीजन है मतलब वुमेन जो सिक्सटी प्लस पे होंगी उनका नंबर ज्यादा होगा सिक्सटी प्लस पे जो वुमेन होगी उनका नंबर ज्यादा होगा वाई क्यों होगा क्योंकि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है जीवन प्रत्याशा होती है वो वुमेन की इन जनरल ज्यादा ही होती है तो इंडिया में भी वुमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है फिर दूसरा हम देख रहे हैं कि हेल्थ भी अच्छी बढ़ रही है से देखते हैं तो वो तो बहुत कम है आज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इसकी फीमेल की अगर आप देखोगे इंडिया में बहुत कम है लोवेस्ट अक्रॉस वर्ल्ड बीस से पच्चीस के आसपास ही घूमती है कभी बीस बाईस हो गई कभी चौबीस पच्चीस हो गई अभी ये बता रहे हैं कि जैसे 24 परसेंट इन्होंने कहा है कि 24 परसेंट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो ये तो बहुत कम है इसका मतलब क्या होगा वुमन ज्यादा वेलरेबल है क्योंकि उनके पास कोई इनकम सिक्योरिटी नहीं है कोई इनकम सोर्स नहीं है तो यहाँ पे आप सोशल सिक्योरिटी और ये स्कीम्स आपको लानी पड़ेंगी इनकी डेडिकेटेड मेडिकल नीड्स है उसके लिए जेरियाट्रिक केयर जेरियाट्रिक केयर में क्या होता है जो तो ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज़ होती है ना किसी को डिमेंशिया है किसी को और कुछ डिजीज है उस तरह की डिजीजों पर स्पेशलिटी होती है तो ये जेरियाट्रिक केयर सेंटर खोलने पड़ेंगे आज नहीं है बहुत कम है इंडिया के अंदर फाइन तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड पे आए उससे पहले इस प्रॉब्लम को इंटरस्टेट लेवल पे भी देखना पड़ेगा इंटरस्टेट वेरिएशन ज़्यादा है तो आप देखोगे जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया यहाँ पे जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो ज्यादा नंबर में बढ़ेगा क्यों क्योंकि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो चुकी है है ना ऑलरेडी टू जो कि टोटल फर्टिलिटी ई टोटल फर्टिलिटी रेट टू से कम पे है रिप्लेसमेंट लेवल से कम पे है तो यहाँ पे जो यंग एड हो रहे हैं वो कम्पेरेटिवली कम है तो साउथ इंडिया में ओल्ड एज का नंबर ज़्यादा होगा इन कम्पेरिजन टू नॉर्थ इंडिया लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें जो इम्पावरिस्ड स्टेट है मतलब जो ज़्यादा गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे सीनियर सिटीजन का नंबर इन प्रपोर्शन वी विल सी इन दीज स्टेट्स जहाँ पे ओवरऑल पॉवर्टी ज़्यादा है यूपी है बिहार है एम पी है छत्तीसगढ़ इज देयर के राजस्थान इन स्टेट्स के अंदर जहाँ पे इन कंपेरिजन साउथ इंडिया के कंपेरिजन में ओवरऑल पॉवर्टी ज़्यादा है तो वहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा होंगे भारत सरकार ने हालांकि कुछ प्रयास कर रखे हैं सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ना लेकिन ये सफिशियंट नहीं है आज के टाइम पे अगर चैलेंजेस को हम देखें तो ये सफिशियंट नहीं है और फिर सीनियर सिटीजन है, है तो इंडियंस ही ना तो दे ऑल्सो डिजर्व द डिग्निफाइड लाइफ को याद रखिएगा

वो अपनी कम्युनिटी के बेसिस पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से बनाए वो साथ में आएंगे ओके देन वी हैव दिस हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन एंड ऑल ठीक है इंडस्ट्री का भी सहयोग अगर हम ले पाए इंडस्ट्री का सहयोग आप कहोगे सर यहाँ पे इंडस्ट्री का क्या सहयोग लेंगे कोई बता सकता है इंडस्ट्री या बिजनेस हाउसेस का क्या सहयोग ले सकते हैं ये होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच जो है ना ये वर्ड लिखा है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो डी कर रहा हूँ आपके लिए वट इज द मीनिंग हीयर वट इज द मीनिंग हीयर इंडस्ट्री क्या कर लेगी कैन यू रिलेट टू दिस मुझे याद आ रहा है लास्ट ईयर का मेन्स था या लास्ट टू तो लास्ट मेन्स था वहाँ पे जी एस पेपर थ्री में क्वेश्चन था और मैंने आपको एक टॉपिक पढ़वाया था उस समय पर सिल्वर इकोनॉमी करके एक्सप्लेन किया था दस पंद्रह मिनट अच्छे से ठीक है तो जिन बच्चों ने मेन्स दिया था उन्होंने रेफर भी किया था कि हाँ सर ये देखो आपने सिल्वर इकोनॉमी पढ़ाया था और हमने यहाँ पे इसको लिंक कर लिया बहुत अच्छे पॉइंट्स हमें मिल गए उस आंसर में लिखने के लिए कैसे लिंक होगा सिल्वर इकोनॉमी यहाँ पे अगर मैं लिखू सिल्वर इकोनॉमी ये वर्ड होता है पुराने बच्चे एग्री भी कर जाएंगे सिल्वर इकोनॉमी हुआ है किसी का पुराने बच्चों में है कोई जिसको सिल्वर इकोनॉमी जब हमने पढ़ा था वो उस टाइम पे था बच्चा सिल्वर इकोनॉमी क्या होगी ये सिल्वर चांदी की बात नहीं हो रही है सिल्वर इकोनॉमी इज बेसिकली इकोनॉमी ओके वेयर द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज आर फोकस्ड मोर ऑन सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन को क्या जरूरत है उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाना उस तरह की सर्विसेज डेवलप करना वो सिल्वर इकोनॉमी की बात हो रही है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ऑलरेडी इंडिया में तो अभी दो हजार पचास की बात कर रहे हैं विकसित देशों में डेवलप्ड कंट्रीज में बात करोगे ऑलरेडी ओल्ड एज पॉपुलेशन का चैलेंज आ गया है तो वहां पर तो सिल्वर इकॉनॉमी की तरफ चालू है काम हम्म हाँ तेज स्कीम ऐसे जी -E स्कीम आपको पढ़ाया था हैं कुछ पुराने बच्चे तेज स्कीम आपको पढ़ाया था गेटिंग दिस तो आई होप इस एडिटोरियल का क्रक्स आपको मिल गया है डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे रहते हैं इस तरह के टॉपिक्स पे इसलिए कल एक रेफरेंस था न्यूज का कुछ जो हिंट थे वो मैंने दिए थे आज वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं तो इसको कर लेंगे आई पे आते हैं आई पे फाइव फाइव इंटेलिजेंस की बात हो रही है वॉट इज द फाइव इंटेलिजेंस अलायंस देखो इस न्यूज के अंदर इंपॉर्टेंट केवल एग्जाम में तो यही है कि आई जो अलायंस है उसमें कौन कौन से देश है तो देखो फाइव फाइव अलायंस क्या है एक तरह के इंटेलिजेंस शेयरिंग का अलायंस है कि इंटेलिजेंस जो होगी हम पांच देशों के बीच में शेयर होगा ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि इसकी शुरुआत हुई कब हुई शुरुआत कि वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हो गया तो फिर यहाँ पे कोल्ड वार का दौर शुरू हो गया मतलब एक तरफ सोवियत संघ यूएसएसआर जो आज रशिया है एक्सक्यूज मी तो वहां पे इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल था तो so, यूएसए ने अमेरिका ने और ब्रिटेन ने यूके ने दोनों ने मिलकर एक अलायंस किया किसी को पता नहीं था ये अलायंस है सीक्रेट अलायंस था वर्ल्ड वॉर टू के बाद में किया सीक्रेट अलायंस था और यहां पे इन्होंने डिसाइड किया कि हम आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे द दिटरी कॉल्ड द ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट जिसको ब्रूसा इन्होंने कहा अभी यूके यूएसए एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं यूके और यूएसए एग्रीमेंट के नाम से इस अलायंस का बहुत लंबे समय तक किसी को पता नहीं था ऑस्ट्रेलिया वगैरह किसी को सेवेंटीज तक सेवेंटीज के बाद में ये इन्फॉर्मेशन आना शुरू हुई कि यूएसए और यूके आपस में इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं किस तरह का इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं जैसे मान लो कोई भी रेडियो पे कम्युनिकेशन है और किस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है सैटेलाइट इंटरनेट कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह ये सारे इंटेलिजेंस शेयर इन्होंने करना शुरू किए क्यों क्योंकि इन्होंने पहले अपना देखा था कि जैपनीज और जर्मन जो वर्ल्ड वॉर टू में दूसरी साइड पे थे उनके काफी सारे उसको इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा कोलाब्रेशन इनका रहा था शुरुआत फाइव फाइव अलायंस की कहाँ से हुई फाइव फाइव इंटेलिजेंस अलायंस की इन दो देशों में बाद में फिर इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया को ऐड किया न्यूजीलैंड और कनाडा ये तीन देश और ऐड हो गए टोटल पांच कंट्री हो गए शुरू में इन्होंने बांट लिया था कि जैसे यूके जो है वो अफ्रीका वाले एरिया पे इंटेलिजेंस को कवर करेगा ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ सदर्न पार्ट ऑफ द चाइना एंड ऑल ठीक है इंडो चाइना वाले पार्ट पे यूएसए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रशिया को कवर कर रहा है ऐसा करके तो अभी चीजें चेंज हुई है बट ये इन्फॉर्मेशन ये जो डिस्कशन है हमारे काम का एग्जाम परस्पेक्टिव में डायरेक्ट सेंस में कोई काम का नहीं है ठीक है डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनेगा कि हाँ फाइफ अलाइंस में से कौन सा कंट्रीज का मेंबर है नहीं है प्रॉब्लम दैट सॉल्व ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसको इस काम में ले सकते हो कि हाँ यार इंटेलिजेंस का जो कोलाबोरेशन है कितना इंपॉर्टेंट है क्यों ये न्यूज में आ रहा है न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो निज्जर वाला जो किलिंग हुई है ना निज्जर हत्याकांड जो है

तो दीज आर द थिंग्स एक कंसर्न इसमें है एडवर्ड स्नोडन का नाम सुना होगा आपने स्नोडन ने जो है एक तरह से विसल ब्लोअर के रूप में सामने आया और बताया किस तरह से चीजें हो रही हैं इंटेलिजेंस और इस पूरे के अंदर तो उन्होंने कहा ये जो पूरा ये काम कर रहा है ना फाई फाई वाला ये बहुत ही सिक्युर वर, वर्क उसमें वे में काम कर रहा है और इनकी जो अकाउंटेबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं कुछ किसी भी तरह से नहीं है किसी को भी इंटरसेप्ट कर रहे हैं किसी के बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं लोगों की प्राइवेसी और इनके कंसर्न है So, तो दिस इज द थिंग देखो एक आई पे एक न्यूज़ हमने डिस्कस की थी दैट नेपाल वाला टॉपिक नेपाल वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसके अंदर एक करेक्शन आपको ये करना है एट प्रेजेंट जो नेपाल के अंदर जो गवर्नमेंट है है ना प्रचंड तो है ही प्रचंड तो सीएम एम वहाँ पी है ही लेकिन उनको जो सपोर्ट है अभी ओली की पार्टी से नहीं है अभी उनको सपोर्ट देवबा जी की पार्टी से ही आ रहा है गिटिंग दिस पहले ओली जी की पार्टी से था फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो ऊपर नीचे हुआ फिर अभी वो देवबाजी की पार्टी से सो दिस इज द वन करेक्शन आई वांटेड यू टू मेक हालांकि ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा किसकी पार्टी की सरकार वगैरह है बट ओवरऑल वो सारी चीजें रेलिवेंट रहेगी इस तरह से ओली जी के टाइम पे इंडिया के रिलेशनशिप डिक्लाइन हुए वगैरह दैट इज द वन करेक्शन एंड तो वो डिस्कशन के समय पर वो चीज़ मुझे भी ध्यान में नहीं रही एक बच्चे ने मैंशन किया था सो दैट्स वाई एम डूइंग दिस करेक्शन ईयर तो ये इसको देख लेना आगे आते हैं आगे आते हैं डिस्कशन विल बी ओके एज सेम कि वो देवबाजी वाली जो uh, है गवर्नमेंट दट इज समेयर ओके यू कैन से सम वॉट फ्रेंडली और सेंसिटिव अबाउट द इंडियन साइड एंड ऑल ओली वाली पार्टी को प्रोचाइना माना जाता है चलो इंडिया की इकोनॉमी पे आ जाते हैं uh, स्वामीनाथन साहब जिनको इंडिया के अंदर ग्रीन जो रिवोल्यूशन है उसका फादर कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया ओवरऑल अगर हम देखें तो नॉर्मल बॉर्डलॉग को कहा जाता है लेकिन इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर इन्हें माना जाता है क्यों माना जाता है दिस इज द वन थिंग तो इसका कंटेंट हमने इंडियन एक्सप्रेस से उठाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ी डिटेलिंग इतनी नहीं है ओवरऑल हिंदू में जो न्यूज है उसमें कुछ चीजें दी गई हैं उसको भी कर लेते हैं और ये जो आप पिक्चर देख रहे हो इसमें ये स्वामीनाथन साहब है और ये नॉर्मन बॉडलॉग के साथ है तो नॉर्मन बॉडलॉग जो है इनको वर्ल्ड के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन माना जाता है लेकिन इंडिया में एम एस स्वामीनाथन को क्रेडिट दिया जाता है स्वामीनाथन साहब को क्यों क्रेडिट दिया जाता है वो हम आज करेंगे और दूसरा इनके बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन ध्यान रख लीजिए दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फाइन तो इन्होंने क्या किया इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोलूशन तो समझते हो ना हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन के समय क्या हुआ सिक्सटीज के अंदर हमने जो नई टेक्नोलॉजी नई सीड वेरायटी इंट्रोड्यूस की ठीक है जो कि बेसिकली डार्फ वैरायटी थी डॉर्फ वैरायटी थी एक लंबा पौधा होगा लंबा पौधा होगा उसको वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज्यादा चाहिए लेकिन उससे जो प्रोडक्शन हमें मिल रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी कम है तो डॉर्फ वेरायटी हमने डेवलप की जिसके प्रोडक्शन काफी ज्यादा था तो हमने कुछ ही समय के अंदर लेटेस्ट से विद इन टेन ईयर्स एंड सो हमारा जो प्रोडक्शन था टू टेज तक आपका इंक्रीज हो गया मतलब दुगना से तिगुना तक हमारा प्रोडक्शन हो गया इन अ वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम जहां पे इंडिया फूड ग्रेन को इम्पोर्ट कर रहा था जिसे हम कहते थे शिप टू माउथ अप्रोच है है ना शिप से वो फूड ग्रेन आ रहा है जैसे यूएसए का जो प्रोग्राम था पी एल प्रोग्राम वहां से वो फूड ग्रेन आता था है ना इम्पोर्ट हम करते थे गेहूँ वो अगर बंद हो जाएगा तो भारत के लिए तो फूड सिक्योरिटी का इशू है है ना तो इसलिए हमने ग्रीन रिवोल्यूशन किया और ग्रीन रिवोल्यूशन ये इस तरीके से आपका सक्सेसफुल हुआ अब इसमें आपको क्या ध्यान देनी है चीजें ये इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं है ना इनको पद्मश्री मिला फिर पद्म भूषण फिर पद्म विभूषण ये सारे मिले हुए हैं और इसके अलावा आप देखोगे इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अवार्ड यहाँ पे मिला था दैट वाज द फूड प्राइज है ना दिस फूड प्राइज वाज द मेजर मेजर थिंक ही बिकेम द फर्स्ट टू गेट द वर्ल्ड फूड प्राइज वर्ल्ड फूड प्राइज मिला और कौन से अवार्ड है इसको देख लेना इसमें कुछ समझाने की चीज़ नहीं है तो जस्ट नीड टू तो जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्लाइड क्या पता प्रॉब्लम्स में पूछ ले अब आ जाते हैं इसके मेन उस पर है ना कि क्यों स्वामीनाथन साहब हैं उनको आपका फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया माना जाता है ठीक है रीजन बींग की इन्होंने जो बासमती राइस है है ना उसकी जो हाई यील्डिंग वैरायटी है बासमती राइस से ज्यादा पैदावार मिल जाए हाई यील्डिंग वैरायटी उसके ऊपर काम किया और म्यूटेशन वगैरह और काफी सारी चीजों के माध्यम से टेक्नोलॉजी ऑफ म्यूटेशन फॉर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड द फूड सिक्योरिटी एंड लॉन्चिंग द प्रोग्राम सच एज लैब टू लैंड तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बासमती राइस राइस की हाई यंग वैरायटी डेवलप कर ली विथ सी फोर कार्बन फिक्सेशन कैपेबिलिटीज इंप्रूव द फोटोसिंथेसिस वाटर यूटिलाइजेशन वगैरह वगैरह ये सब किया अब इन्होंने जब ये कर लिया था राइस वाली वैरायटी फिर इनको यहाँ पे ये था कि अब वीट की जो वैरायटी है उस पर भी हमें करना है तो इन्होंने खुद के माध्यम से काफी सारे प्रयोग किए कि रेडिएशन से ऐसा करें डॉआार्फ वैरायटी लाएं लेकिन उसका सक्सेसफुल नहीं बैठ रहा था है ना वैरायटी अगर डॉआार्फ हो रही थी तो फिर प्रोडक्शन के अंदर इशू आ रहे थे फिर इन्होंने एक साइंटिस्ट है उनसे अपना वो किया ना उनसे मुलाकात की और उनसे काफी सारे इनपुट लिए थोड़ी चीजें बेहतर हुई फिर उन्होंने कहा कि आप जो है नॉर्मन बॉडलॉग इनसे मिलिए है ना इन्होंने ने मेक्सिको के अंदर क्योंकि मैक्सिको की थोड़ी सी वार्म कंडीशन है इस तरह की है ना तो इंडिया के अंदर वो वेरायटी सेट हो जाएगी उन्होंने कहा कि वीट की जो वेरायटी है एक नॉर्मन बॉडलॉग से इस इसे कर रहे हैं और काफी अच्छे उसके रिजल्ट हैं आप उनसे मिलकर ये कर सकते हैं तो यहाँ पे ये नॉर्मन बॉडलॉग से मिले और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे स्वामीनाथन साहब नॉर्मन बॉडलॉग के साथ ही हैं यहाँ पे इन्होंने जो है वर्क किया और ड्वार्फ जो वीट ब्रीडिंग प्रोग्राम है वो लेके आए और विद इन फाइव ईयरस हमारे सामने वीट रिवोल्यूशन आ गया कि गेहूं का उत्पादन इंडिया में दो तो से तीन गुना तक बढ़ा ठीक है तो दिस इज द थिंग और अब यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स में इनको क्यों क्रेडिट दिया जाता है द रीजन यार अगर हम बेसिक फंडे की बात करें कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रेटजी रिगार्डिंग दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूसिंग द न्यू जेनेटिक स्ट्रेन और प्लांट टाइप बेसिक क्या था आधार क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति का कि नई जो वेराइटियाँ हाई योग वेरायटी उनको इंट्रोड्यूस करना है इंडिया के लेवल पे इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से और उनको रेस्पॉन्सिव बनाना है टू इंक्रीज फर्टिलाइजर वाटर एप्लीकेशन तो ये जो इनपुट है इंडिया के कॉन्टेक्स में इंडिया के सेंस में स्वामीनाथन साहब की तरफ से आए इसलिए इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इंडिया में Uh, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसके जो फादर हैं जनक है वो स्वामीनाथन साहब है फाइन ये थोड़ा सा कंटेंट हमने इंडियन एक्सप्रेस से उठाया क्योंकि ये क्लैरिटी वो नहीं आ रही थी है ना क्लैरिटी उसके रिगार्डिंग वो नहीं आ रही थी दैट्स व्हाई वी टूक सम ऑफ कंटेंट फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस चलो आगे आ जाते हैं uh, साइंस एंड टेक पे दो न्यूज़ हैं दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आज बच्चे काफ़ी कम हैं क्लास में ही बना रहे हैं क्या आज तो सैटरडे भी नहीं है चलो आगे आते हैं वीट और राइस की क्यों क्योंकि यार स्टेपल फूड है ना गेहूं और जो चावल है वही तो मेन हमारा स्टेपल फूड है खदान की जो हम बात करते हैं सीरियल्स की अगर हम बात करें दिस इज द मेन फूड ना सबसे पहले तो आप अगर आप खुद की बात करो ठीक है कहीं पे गेहूं चलता है कहीं पे चावल चलता है आप खुद का सोच के देखो पांच दिन तक आप गेहूं या चावल के बिना अपना खाना खा रहे हो आपको लगेगा ही नहीं खाना भी खा रहे हैं क्या वो तो मेन आपका है इसलिए गेहूं चावल की बात हो रही है आ रहा है समझ में चलो आ जाते हैं इनसाइड द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ द कुकीज यहाँ पे क्या है ये लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख दिया हमारे काम का यार कुकीज़ क्या होती है पहली चीज कुकीज़ तो जानते हो ना अभी आप कोई वेबसाइट वगैरह विजिट करते हो फिर वहाँ पे वो परमिशन मांगता है कि एक्सेप्ट द कुकीज एक्सेप्ट ऑल कुकीज वगैरह वगैरह तो कुकीज़ क्या होती हैं एक तरह की हमारी डिजिटल आईडी होती है है ना डिजिटल आईडी इन द सेंस कि मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो कोई आपका जिम है या कुछ भी है लेटस से या कोई क्लब है उसके अंदर एंट्री है तो उसके अंदर क्या होगा क्लब के अंदर आपको जाने के लिए कोई पास चाहिए अगर आपके पास वो पास है तो आपने बाउंसर को वो पास दिखाया आपकी एंट्री हो गई अगर आपके पास नहीं है तो वेट करो फिर वो जो भी है कुकीज़ क्या होती है मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट को एक बार विजिट किया है लेटर से अमेजॉन है ठीक है तो वो आपको रिमेंबर रखता है कुकीज के माध्यम से वो आपको रिमेंबर रखती है कि हाँ इस बंदे ने ऐसा विजिट किया था और आपसे रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी वो रिमेंबर करेगी कि आपने पहले कौन कौन से प्रोडक्ट्स को विजिट किया था अमेजोन या फ्लिपकार्ट आपको दिखाता है ना पहले आपने ये चीजें देखी है फिर उसी तरह की चीज़ें आपको बताएगा कि हाँ आप ये चीज़ें परचेज करो वगैरह वगैरह कुकीज़ यही होती है ठीक है आज आप देखोगे कि जो भी फेसबुक गूगल है या और कोई भी प्लेटफॉर्म है ना तो वो क्या करते हैं कुकीज़ वग़ैरह यूज़ करते हैं कुकीज़ रिमेम्बर परसन लॉग इन इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट्स तो अच्छी बात है वैसे तो काफ़ी सारे फायदे ही होते हैं कुकीज़ के लेकिन थोड़े से रिस्क भी हैं तो ये यह यहाँ पे यही बता रहा है इस इसके अंदर कि कुकीज़ क्या हैं क्या कुकीज़ के फ़ायदे हैं और क्या उसके रिस्क हैं जो खाने वाली कुकीज़ मत समझना इनको तो दिस इज़ द थिंक है ना जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सब यूज़ कर रहे हैं फ़ायदा क्या हो गया डिजिटल आईडी की तरह काम कर रहा है आप बार बार जाओगे बाबा बार बार, बार लॉग इन वगैरह इस तरह से नहीं मांगेगा आपको रिमेंबर करेगा आता है ना ऑप्शन रिमेंबर लॉग इन करके फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू पे जा रहे हो तो वो आपका रिमेंबर रखता है वो सेटिंग्स वगैरह कि हाँ मुझे इस तरह की न्यूज़ देखनी है किसी का होता है एंटरटेनमेंट की देखनी है अब हमें क्या देखना है हमें इंटरनेशनल रिलेशन की देखनी है इकोनॉमी रिलेटेड देखनी है आई थिंक दिस पॉलिटी रिलेटेड पॉलिसी मैटर्स ये वो तो सारी चीज़ें आपकी याद रखेगा सेंस ऑफ पर्सनलाइजेशन है रिकॉलिंग योर प्रेफरेंसेज लैंग्वेज प्रेफरेंस और कॉन्टेंट रिलेटेड प्रेफरेंस वगैरह वगैरह टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को एडवर्टाइजमेंट टारगेट करने में हेल्प करता है आपने देखा होगा अगर आप कुछ टी शर्ट सर्च कर रहे हो मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहे हो जूता ढूंढ रहे हो शूज़ खरीदना है तो उसी तरह के एडवर्टाइजमेंट आपको नेट पे दिखना शुरू होंगे है तो ना वो इसी वजह से बिकॉज दे दीज वेबसाइट्स कैन ट्रेक योर बिहेवियर है ना उस बेसिस पे वो करते हैं अब इसके कुछ नुकसान क्या है दो इसमें इशूज़ आते हैं एक तो आता है सिक्योरिटी रिलेटेड और प्राइवेसी रिलेटेड प्राइवेसी में क्या है कुकीज़ अगर आपने अलाउ कर रखी है तो वो आपका ऑनलाइन बिहेवियर ट्रैक करेंगे कि आप ऑनलाइन किन चीज़ों को क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वैसे तो इसमें कोई इशू नहीं है लेकिन कई बार इसमें क्या होता है टारगेट किया जाता है सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा टारगेट किया जा सकता है तो उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना या जो डिजिटल प्राइवेसी है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अदरवाइज इन जनरल तो कोई इशू नहीं होता और इसीलिए आप देखोगे अब वेबसाइट्स पे क्या है वो आने लग गया अगर आप इंडिया के बाहर की कोई भी खोलोगे जैसे कोई न्यूज़ का खोल रहे हो गार्जियंस की अगर हम बात करें या वगैरह वगैरह तो वहाँ पे क्या आता है कुकीज़ का एक्सेप्टेंस मांगता है कि एक्सेप्ट करो वो आपकी परमिशन लेके ही वो आगे जाएगा पहले ये नहीं होता था लेकिन अब इस तरह के लॉज आ रहे हैं इंडिया में भी ये तरह से प्रोविज़न आने लग गए हैं फाइन सिक्योरिटी रिस्क रहता है कुकीज जो है अगर सिक्योर नहीं है प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं है वैसे कई बार जो होती है इनक्रप्टेड होती है लेकिन अगर साइबर क्रिमिनल्स के हाथ ये इन्फॉर्मेशन लग जाती है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्रोमाइज हो जाती है ठीक है सो दिस वॉज ऑल फुल पेज है इसमें काम की चीज यही है देन वी हैव वन मोर आर्टिकल निपा वायरस आउटब्रेक वॉट आर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज निपा वायरस हम पढ़ चुके हैं केरल के अंदर जो आउटब्रेक हुआ था वो मैंने आपको पढ़ा दिया इसमें इस आर्टिकल में क्या है इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मांग रहा है है ना इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को रीच किया है कि हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज चाहिए ताकि निपा वायरस जो है उसकी आउटब्रेक को तो रोक सके इंडिया में उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको डील कर सके अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं देखो तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं कुछ प्रोटीन्स होते हैं कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो तो क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन हमें दे रहे हैं अगर बॉडी के अंदर किसी भी बैक्टीरिया का वायरस का या कोई भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन है वो अटैक करता है तो उसको एंटीजन की तरह ये ट्रीट करेंगी है ना उस पूरे वायरस को बैक्टीरिया को या उसके कोई बॉडी पार्ट को जैसे कोरोना था तो उसके ये स्पाइक प्रोटीन है ये एंटीजन का काम कर रहे हैं जैसे ही आएंगे बॉडी में हमारी एंटीबॉडीज ये जो प्रोटीन है ये एक्टिवेट हो जाएंगे इससे अटैच हो जाएंगे से अटैच होके ये इस तरह से अटैच होके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे तो एंटीबॉडीज इस तरह से हमारी काम करती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं मोनोक्लोनल जैसा नाम से पता चल रहा है इनकी क्या एक वाला निपा के लिए तो निपा वाला तो इस तरह से होती है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड जनरेटेड टू टारगेट पर्टिकुलर डिजीज और डिजीज कॉजिंग एंटीजन ठीक है अब इनको बनाया कैसे जाएगा लेबोरेटरी में बनाया जाता है दीज आर बेसिकली प्रोटीन दैट मिमिक द इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू फाइट द हार्मफुल पैथोजन एक तो होगा कि बॉडी में हमारे जाएगा बॉडी में हमारी एंटीबॉडीज बनेगी तब कुछ चीजें काम होगी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अगर बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज ऐड कर देते हैं बॉडी को तो प्रोटेक्शन मिल गया ना तो यहाँ पे इंडिया यही चाह रहा है कि जो मोनोक्नल एंटीबॉडीज है इससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाए क्यों क्योंकि एक ऐसी एंटीबॉडी है जिसने क्लिनिकल ट्रायल का फेज वन क्लियर कर लिया है दिस इज द नेम एम वन जीरो टू पॉइंट फोर चांसेस आर वेरी वेरी लेस वेरी रेयर कि ये नाम पूछ लेगा बट यू शुड बी अवेयर की एम वन जीरो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो तो न्यूट्रलाइज कर रही है हेंड्रा एंड वायरस को ठीक है आउटसाइड और इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पे भी इनको ट्रायल करके क्लिनिकल ट्रायल करके रिजल्ट मिला है तो अब ये बनाई कैसे इन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इसमें क्या करेंगे ये वो जीन है ना उस जीन को पहले सेपरेट करेंगे रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है जैसे न्यूक्लियस वगैरह होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है ये वाला जीन है जो कि एनकोड कर रहा है इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को एनकोड करता है इस जोन इस जीन को आपने सेपरेट कर लिया फिर क्या होता है बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसमें ये नॉन जेनेटिक वाला ये होता है जिसको हम कहते हैं प्लाजमेट ये डीएनए ए है लेटर से दिस डीएनए इज देयर को क्या करेंगे यहां से कट किया और इस वाले जीन को यहां पे ऐसा ऐड कर दिया तो अब ये क्या होगा काफी सारी कॉपीज बना लेगा खूब सारी कॉपीज बना लेगा इसकी तो इन्होंने क्या किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज की है और इससे क्या हो जाती है काफी सारी कॉपीज लार्ज क्वांटिटीज में बन जाती हैं जिसको हम यूज कर लेंगे तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमारे पास आ गई बॉडी में जाएगी बॉडी में जाएगी तो ये जो निपा वायरस वगैरह है इनको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी काफी इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं इसलिए इंडिया जो है इस तरह से यहाँ पे इंडिया इज ट्राइंग टू गेट

और जो हमने क्लास में किया है स्टिक करंट करके चीज़ों को किया है तो आई होप यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन कल वाला क्वेश्चन है कल क्वेश्चन नहीं मिला था ना क्लास में वो आपको चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था कई बार क्लास में अगर नहीं हो पाता है वैसे तो कोशिश रहती है क्लास में ही हो तो कम्युनिटी पोस्ट में आ जाता है तो कल वाला आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी ले लेना चैनल पे ही जाओगे लाइव सेक्शन होता है ना बस कम्युनिटी पोस्ट होती है तो नए बच्चे हैं चैनल से जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको क्वालिटी कॉन्टेंट यहाँ पे मिल रहा है और भी काफी सारी चीजें ऐड होगी मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विद द चैनल और इसको बच्चों से केयर भी करते रहिए बच्चों को बताते भी रहिए आपको तो जुड़ना ही है चैनल से एंड डोंट फॉरगेट डेली बेसिस पे आपकी क्लास यहाँ पे रहती है ठीक है देखो रिवीजन के अंदर शुरू का अगर आप केवल इस मोड में आ गए हो कि सिलेबस कंप्लीशन है अभी रिवीजन मोड चल रहा है तो शुरू के लेटेस्ट से वन मंथ या फिर ट्वेंटी डेज मैं आपको सजेस्ट करूँगा डू नॉट फोकस है ना क्योंकि देखो रिवीजन जब आप शुरू करोगे आपको ऐसा लगेगा मैं दोबारा रिविज़न नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं दोबारा से पूरा पढ़ना शुरू किया है पीछे का सारा गायब हो गया है ये समझिए आप जब इस तरह से आप रिवीजन करना शुरू करेंगे क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी वो नहीं रहती है कि डेली बेसिस पे रिवीजन हो गया सात दिन में हो गया वो चीजें नहीं हो पाती हैं अगर हो रही है तो फिर ये इशू नहीं होगा शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि सारी पीछे की चीजें भूल गए हैं और वापस से पढ़ाई शुरू हो रही है इस तरह का फियर रहेगा ओके जस्ट मेक श्योर कि आप शुरू का एक महीना या ट्वेंटी डेज तक इसको इस ये जब भी थॉट आए इसको साइड में रख दो कि ये तो नॉर्मल थॉट है आनी आनी है

होने लग जाएंगे ग्रेट टू सी यू ऑल एन सी आर टी सीरीज़ वगैरह नेक्स्ट मंथ से हम करेंगे शुरू पाँच तारीख बाद हम प्लान कर रहे हैं ना